दिल्ली में मेयर चुनाव के पहले हंगामा, आप और बीजेपी पार्षदों के बीच धक्का मुक्की हाथापाई, कई आसन से गिरे चोटें आईं। दिल्ली में एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया हंगामे की वजह से स्थगित कर दी गई। उधर आपने इस मुद्दे पर कोर्ट जाने के संकेत दिए हैं। शुक्रवार सुबह 11 बजे पार्षदों का शपथ ग्रहण शुरू होना था, लेकिन प्रोटेम स्पीकर ने सबसे पहले मनोनीत सदस्यों को जैसे ही शपथ दिलानी शुरू की, आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया। इससे बीजेपी पार्षद भी इनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई होने लगी। आपके पार्षद प्रोटेम स्पीकर के आसन पर चढ़ गए। इस दौरान कुछ पार्षद कुर्सी उठाकर पटकते देखे गए, कुछ धक्का लगने से नीचे गिर गए, कुछ को चोटें आईं। सांसद संजय सिंह ने कहा कि मनोनीत सदस्यों की पहले शपथ नहीं होती है, लेकिन भाजपा परंपरा बदल रही है, उनके लोग हमारे पार्षदों को सदन के अंदर मार रहे हैं। संजय ने सवाल करते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ने चुनाव में भाजपा को हरा दिया तो क्या उनके नेता हमारे लोगों की जान लेंगे। उधर कांग्रेस ने मेयर चुनाव में शामिल नहीं होने का फैसला किया। आप विधायक आतिशी ने चुनाव न लड़ने के फैसले के बाद कांग्रेस पर भाजपा को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। मेयर के चुनाव में 273 मेंबर्स वोट डालेंगे, बहुमत के लिए 133 का आंकड़ा चाहिए, आपके पास 150 तो बीजेपी के पास 113 वोट हैं। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के ऑफिस की तरफ से एक बयान आया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 1957 एक्ट के तहत 10 लोगों को मनोनीत किया गया है। इस एक्ट में कहा गया है कि जिन लोगों को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अनुभव या ज्ञान हो उन्हें एलजी नॉमिनेट कर सकते हैं। इनकी उम्र 25 साल से ज्यादा होनी चाहिए। ये सदस्य मेयर या डिप्टी मेयर के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। वहीं भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केंद्र में हमारी पार्टी सत्ता में है और एमसीडी में हमारे नंबर ठीक ठाक हैं, इसके बावजूद हमारे साथ गुंडागर्दी हो रही है। आपने सदन को गुंडागर्दी का अखाड़ा बना दिया है, क्योंकि उन्हें डर है कि मेयर की वोटिंग में उनके पार्षद ही साथ नहीं देंगे। वहीं मेयर के लिए आम आदमी पार्टी ने शैली ओबरॉय को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी की ओर से रेखा गुप्ता मैदान में है। वहीं डिप्टी मेयर के लिए आपने मोहम्मद इकबाल और बीजेपी ने कमल बागड़ी को उम्मीदवार बनाया है। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।